अभी कमलनाथ जी बोलते हैं कि राम मंदिर क्या बीजेपी का है। अरे राम मंदिर बीजेपी का है कि नहीं अलग बात है, लेकिन राम मंदिर कांग्रेस का नहीं है। इतना तो सोच लो, इतना तो समझ लो। अगर कांग्रेस का राम मंदिर होता था तो जवाहरलाल नेहरू का दिन में ही राम मंदिर बन जाता था। अगर कांग्रेस का राम मंदिर होते थे तो राजीव गांधी इंदिरा गांधी का समय में ही राम मंदिर बन जाता था। हम बाबर को इतना दिन देखने के लिए हमारा दुर्भाग्य नहीं होता था। आज आप लोग बोलिए, अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होता था, क्या अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनता था? तो भी बनता था। आज कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि भाई हिंदू का राम मंदिर नहीं है, बीजेपी का राम मंदिर नहीं है। मैंने कमलनाथ जी को बोलना चाहता हूं कि आप अपने आप को हनुमान भक्त बोलते हैं, आज तक रामलला का मंदिर आप दर्शन करने क्यों नहीं गया? अब रामलला का 3 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिलना, आज राहुल गांधी आज तक राम मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं गया? सोनिया गांधी राम मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं गया? चुनाव आने से तो आप हर मंदिर जाते हो, रामलला का मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं गया? किस लिए नहीं गया? राम मंदिर ऐसा ही एक मंदिर है जो बाबर का ढांचा गिरा के राम मंदिर हुआ है, इसलिए वो लोग राम मंदिर नहीं जाते हैं। इसलिए देश का बाबर लोग, देश का बाबर लोग असंतोष हो जाएगा, औरंगजेब लोग असंतोष हो जाएगा, इसलिए रामलला का मंदिर जाना नहीं है। बाकी मंदिर चले जाता हूँ, हिंदू लोगों को ठगाने का थोड़ा कोशिश कर लेता हूँ। भाई आपने इजराइल से इतना बड़ा धमाका हुआ, हमास को आपने बोला भाई आपने गलती किया है? कभी कांग्रेस का स्टेटमेंट आपने देखा है हमास को गाली देते हुए, बदनामी करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए देखा है? क्यों नहीं देता है? किसलिए? आसपास में जो हमास है उनका चिंता कांग्रेस का ज्यादा है। हमें खराब नहीं पाना चाहिए, बाबर औरंगजेब मुझको खराब नहीं पाना चाहिए। थोड़ी दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ गया, कवर्धा में मेरा सभा था, अकबर नाम का एक कैंडिडेट उन्होंने वहां रखा। भाई नाम भी ऐसा चमत्कार नाम होते हैं, ठीक है। तो मैंने 2-4 शब्द उनका खिलाफ बोला, किसलिए? मुगल का ऊपर तो सबका आक्रोश होता है। मैंने 2-4 शब्द बोला, कांग्रेस युग जाके मेरा ऊपर इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन डाल दिया। तो मैंने इलेक्शन कमीशन को बताया, अगर मैं मुख्यमंत्री बन के थोड़ा बहुत बाबर औरंगजेब को टाइप नहीं करूंगा तो मुख्यमंत्री बन का क्या फायदा है? तो उसमें फायदा क्या है? तो बाबर और औरंगजेब को टाइप करने के लिए ही तो मैंने मुख्यमंत्री बना हूं। हमारा आसाम का हालत अलग है, डेमोग्राफी का परिवर्तन हुआ है, हिंदू अभी 65% है, तो बहुत सारे मद्रासा चलता है, चलेगा। मैं जब सीएम बना मेरा पास फाइल आया कि मद्रासा शिक्षक को सैलरी देना है। मैंने अधिकारी को बोला, भाई ये मद्रासा कौन सा नाम का दुकान है, ये यहां से क्या मिलता है? तो अधिकारी ने बोला, साहब ये मद्रासा 1935 से है। मैं बोला क्या कर रहे हैं मद्रासा? उनका कोई जवाब नहीं। मैं फिर पूछा, अरे मद्रासा से क्या पैदा होता है? साहब मुल्ला पैदा होता है। अरे मुल्ला पैदा करने का क्या सरकार का काम है क्या? तो मैंने बोला, भाई ये मुल्ला वाला दुकान बंद करो, डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाला दुकान खोलो। बोले नहीं साहब, बहुत हंगामा हो जाएगा। मैं बोला कौन हंगामा करेगा, मेरा सामने ले आना, मैं बातचीत कर लूंगा। उनको मुल्ला चाहिए कि डॉक्टर इंजीनियर चाहिए? हो गया बंद मद्रासा, कोई आया भी नहीं, कोई हल्ला भी नहीं है, चुपचाप काम हो गया। ऐसा ही जब 370 हटाना था, दिल्ली में हाहाकार लगा दिया, भाई 370 खत्म होगा तो देश हिल जाएगा। अमित शाह जी ने बोला थोड़ा हिलने दो यार, हिलना तो ठीक है, नहीं हिलने से काम कैसे होगा?
370 हटा दिया, हिला क्या हिला, जम्मू कश्मीर में शांति आ गया, अभी आप टूरिज्म भी करने जा सकता है, सब कुछ करने जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, रामलला का मंदिर बनेगा, दो दिन पहले रेड अलर्ट जारी हो गया, पूरा अखबार का लोगों का मन में आ गया, पेपर न्यूज़पेपर, भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा देश भर में हल्ला हो जाएगा। जजमेंट भी आया, रामलला का मंदिर भी बना, 22 जनवरी मंदिर का भी उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा, कोई हल्ला करने वाला नहीं है। भाई और बहनों, जब सनातन जागते हैं, जब हमारा हिंदू लोग भारत का उत्थान के लिए ठान लेता है, तो कोई माइका लाल का हिम्मत नहीं होता है भारत का तरफ हाथ उठाने का, देखने का। कांग्रेस का समय में पार्लियामेंट में अटैक हुआ, कांग्रेस ने पाकिस्तान में हमला करना चाहिए था कि नहीं, चाहिए बोलिए, ने हमला किया, किसलिए भाई, डर है भारत में कुछ हो जाएगा। पार्लियामेंट में जहां प्रधानमंत्री बैठता है, देश का लोकतंत्र का सर्वोच्च अनुष्ठान, उसमें जाके पाकिस्तान वाला टेररिस्ट अटैक किया, फिर तब तो पाकिस्तान में हमला होना चाहिए था, कुछ भी नहीं हुआ, बम फूटते रहा। भाई क्या कर सकते हो, हमारा पास उपाय क्या है, पाकिस्तान का पास न्यूक्लियर है, अगर कुछ कर दूंगा तो न्यूक्लियर आ जाएगा। अरे हमें डरवा रहा है, हमारा भूत से जीतते हो और हमें डरवा रहा है। फिर मोदी जी का समय क्या हुआ, हमारा पठानकोट में उनने कुछ सुटपुट किया, मोदी जी ने बम धमाका कर दिया, पाकिस्तान ठंडा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, कहा गया पाकिस्तान का न्यूक्लियर, कहा गया पाकिस्तान का न्यूक्लियर। अरे नरेंद्र मोदी का सामने कोई न्यूक्लियर फ्यूक्लियर का काम नहीं होते हैं, जब देश का भारत जगते हैं तो पृथ्वी भी जागते हैं, विश्व भी जागते हैं, इसलिए भारत ही विश्व गुरु है, भारत ही दिशा दिखाता है, भारत ही दशा दिखाता है।